हेलो, हाउ आर यू चिल्ड्रन। आज हम हिंदी के पार्ट 10 वाक्काव्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्काव्य एक कहानी है पंडित की, जो किसी गांव में शादी करवाने गया था। कहते हैं व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के अनुसार जैसा उचित हो वैसा ही कदम उठाना चाहिए, उसी के बारे में कहानी है। परिस्थितियों को लेकर यह कहानी कही गई है। किसी जंगल में एक बाघ रहता था। एक बार वह जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा था, तभी उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। वह ब्राह्मण किसी गांव से ब्याह खाकर लौट रहा था। जब ब्राह्मण ने बाघ को देखा तो बुरी तरह से घबरा गया। बाघ मनुष्य की तरह बोलना जानता था। उसने ब्राह्मण से प्यार से कहा कि ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? तो ये कहानी एक ब्राह्मण की है जो किसी गांव में शादी करा के आ रहा था। ब्याह मतलब शादी करा के आ रहा था किसी की। तो जब वह अपने गांव वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक बाघ मिला। वह बाघ मनुष्य की भाषा बोल सकता था। उसने ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण देवता ने आश्चर्य से चारों तरफ देखा कि एक आवाज़ कहाँ से आई। उसे नहीं मालूम था कि जो बाघ उसके सामने खड़ा है वह मनुष्य की भाषा बोलता है। जैसे ही उसने बाघ को देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। फिर कुछ संभल के उसने बोला कि मैं पास के गांव में एक ब्याह करा के अपने घर जा रहा हूँ। बाघ ब्याह का मतलब नहीं समझ सका। उसने ब्राह्मण से ब्याह का मतलब बताने को कहा। तो बाघ को नहीं मालूम था कि ब्याह क्या होता है। उसने उससे बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे इस ब्याह का मतलब बताइए। उस ब्राह्मण भी मरता क्या ना करता कुछ साहस करके बोला, एक पुरुष और स्त्री ब्याह की बात पत्नी पत्नी कहलाते हैं। तो उसने बोला कि मैं नहीं बताऊंगा तब भी मेरी जान जा सकती है। तो मरता क्या ना करता वाली बात हुई तो उसने बस साहस अंदर से जुटाया, कहा कि ब्याह का मतलब होता है एक पुरुष और एक स्त्री शादी के बाद ब्याह के बाद पति पत्नी बन जाते हैं। अरे वाह, फिर तो ब्याह करना अच्छा विचार है, ऐसा सोचकर ब्राह्मण से बोला, मैं भी ब्याह करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए अच्छी सी जीवन साथी ढूंढ देंगे? तो जब उसने बोला कि ब्याह करने में दो लोग मिल जाते हैं तो उसने बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी ब्याह करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए अच्छी जीवन साथी ढूंढ के लाएंगे? ब्राह्मण देवता का बाघ के साथ बात सुनकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह हाँ करके तेजी से अपने घर की ओर पड़ गया। जब वो घर पहुंचा तो पीछे से फिर आवाज आई कि मैं ब्याह के लिए कब आ जाऊँ? पंडित ने घबराकर पीछे देखा तो बाघ खड़ा था। उसने उनसे बोला कि तुम मंगलवार के दिन यहाँ पे आना। तो जैसे ही मंगलवार का दिन आया वह पंडित के घर फिर से पहुंच गया। जब पंडित ने और पंडितानी ने उसकी आवाज़ सुनी तो पंडितानी ने दरवाजे से अंदर से ही बोला कि पंडित जी बहुत बीमार हैं, वह नहीं आ सकते, एक काम करना तुम कुछ दिन बाद आ जाना। तो उसने बोला कि अच्छा, मैं पंडित जी के लिए कुछ उपहार लेके आया हूँ, वह आप ले लीजिए। तो उसने बोला कि तुम दरवाजे के बाहर रख दो, मैं वह उपहार ले लूँगा। ब्राह्मण जानता था कि वह बाघ वापस आएगा। उसने पड़ोसियों की सहायता से पड़ोसियों को अपनी परेशानी बताई और सब ने मिलकर बांस के डंडों का एक पिंजरा तैयार किया और उसे घास से ढक दिया। उसे मालूम था कि एक सप्ताह बाद फिर से वो बाघ आएगा शादी के लिए। तो एक सप्ताह बाद जैसे ही एक सप्ताह बीता वह बाघ आया और उसने पंडित जी से अपनी शादी के बारे में बोला। तो पंडित जी ने उसे बोला कि ब्याह से पहले सबको एक रस्म पूरी करनी होती है। रस्म यह है कि सब वो झोपड़ी बनी है वहाँ पे शादी से पहले तुम्हें 5-6 दिन रहना पड़ेगा। वो उसके लिए तैयार हो गया। बाघ बहुत सीधा था, उसने कहा ठीक है, मैं इस झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही वो बाघ झोपड़ी के अंदर गया, उन्होंने मतलब गाँव वालों ने मिलकर झोपड़ी का गेट एकदम बंद कर दिया और वह उसके अंदर बंद हो गया। लेकिन वह यही सोचता रहा कि ये भी शादी की कोई एक रस्म है। 5-6 दिन बाद वह बेहोश हो गया तो सब गांव वालों ने उठाकर उसे पास में एक नदी थी वहाँ पर उसमें डाल दिया। जब वो नदी में डाल दिया तो उसे वहाँ पे नदी के दूसरे किनारे पे एक बाघिन रहती थी,
उसने देखा कि वह भी बहुत तेज, उसे भी वो काफ़ी भूखी थी काफ़ी देर से, वो अपना शिकार ढूंढने थी। उसने देखा कि नदी में एक पिंजरा बह रहा है, तो वह पिंजरे को खींचते हुए किनारे पर ले आई और उसने तब तक बाघ को होश आ गया था, उसने बाघ को उसमें से निकाला। तो जब बाघ उसमें से निकाला तो उसने सारा अपने बारे में बताया, जब क्या उसके पंडित से क्या बात हुई, इसने जो भी था उसने सब बाघिन को बता दिया। बाघिन को पूरी सच्चाई बताई। दोनों ने सोचा कि शायद यही ब्याह की रस्म होगी। वे दोनों बहुत खुश हुए। जब वो बाघिन से मिला तो उसे उसने पूरा बताया, तो उसने बोला शायद ब्याह की ही रस्म है, इससे तुम मुझे मिली हो। चलो अब हमारी शादी हो गई है। नए पति पत्नी ब्राह्मण का धन्यवाद करना चाहते थे, तो वो दोनों बहुत खुश हुए कि शब पानी में गिराना भी एक शादी की रस्म होगी और उससे बाघिन का खुलना भी एक रस्म है। तो वो दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि नए पति पत्नी के रूप में वो ब्राह्मण का आशीर्वाद चाहते थे। इस इच्छा के साथ बाघ बाघिन ब्राह्मण के घर पहुंचे और बाघ ने ब्राह्मण को आवाज़ लगाई, हे ब्राह्मण देवता, कृपा बाहर आ जाइए। जब ब्राह्मण ने उस बाघ की आवाज़ सुनी तो आवाज़ सुनकर ब्राह्मण घर के बाहर आया। इससे पहले कि बाघ बाघिन धन्यवाद देके, वे घबराकर बेहोश होकर गिर पड़ा। क्यों बेहोश हुआ? उसने सोचा कि अभी तक तो एक ही बाघ आता था शादी के लिए, अब लगता है ये दोनों ही मुझसे शादी के लिए कहेंगे। तो उसने बिना बात सुने हुए वो उनको देखकर घबरा गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। तो ये कहानी एक बाघ की है। तो इस समय क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पहले पूरी बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए। व्यक्तित्व को परिस्थितियों के अनुसार जैसा उचित हो वैसा ही कदम उठाना चाहिए। ना तो बेमतलब भाकरी दिखानी चाहिए और ना ही साहस होना चाहिए। कहा भी क्या है, बुद्धिश्य बलम तस्सह, अर्थात जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल है। इसलिए व्यक्ति को बुद्धि अनुसार अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे।